अगर यह हम राज्यपाल जी आमदार निरंजन गावकर संजय केळकर ठाणे जिल्हा शहर भाजपा अध्यक्ष कोकण पदवीधर मतदारसंघ आमदार निरंजन गावकर या सीटवर आलेले मी विनंती करतो की त्यांनी आमच्या प्रथेप्रमाणे दीपप्रज्वलन करून ब्रह्ममळणी स्मृतींना अंजली आदरणीय श्री पटेलजी राज्यपाल यांनी दीपप्रज्वलन करून प्रस्तुत आमदार संजय केळकर आमदार निरंजन गावकर सुस्वागत कथेप्रमाणे आपलं दीपप्रज्वलन झालेलं आहे आणि आता आजच्या कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला माननीय राज्यपालांना देत आहे आमदार संजय केळकर सर सर धन्यवाद महामहिम राज्यपाल माननीय भगतसिंग कोश्यारीजी ठाणे महानगरातील सर्व नागरिक या व्याख्यानमालेचे श्रोते आणि व्याख्यानमाला समितीचे कार्यकर्ते या सर्व साधेपणा आज खरं म्हणजे माननीय उपराष्ट्रपती व्याख्यानमालेसाठी मला जायचंय आणि तो कार्यक्रम पोस्टपोन केला त्याबद्दल पण व्याख्यानमाला समिती श्रोते अजून प्रेम करावं आम्हाला मार्गदर्शन करावं एवढी त्या निमित्ताने आपल्याला विनंती एकच फक्त माननीय राज्यपाल सार्वजनिक गेल्यानंतर आपण जाऊया ज्यांना दहा तारखेचे माझ्याशी संपर्क धन्यवाद मला सांगायला अतिशय मला समजायला काही वेळेला वाईट वाटतं या कोविडच्या संकटामुळे जी व्याख्यान मला या भव्य अशा पटांगणावर होता हॉलमध्ये खाली निमंत्रितांना आणि या ठिकाणी थेट प्रक्षेपणाच्या माध्यमातून
हजारो रसिक श्रोत्यांना यामध्ये सहभागी होता है, परंतु मी महामहिम कभी यहाँ भी मैं यहाँ भी
जिंदगी जीवित कर रहे तुम्हारा राज छोड़ के चले जाओ। तो बोले ये उसको देखने का रहे और सारे लोग धनी लोग थे कि वहाँ के बड़े बड़े विद्वान थे। अच्छा यहाँ का जुलाहा भी इतना ज्यादा जानता है, युवक भी इतना ज्यादा जानता है। तो ये इस देश की परंपरा है और इसलिए शास्त्र शास्त्र होते थे। यहाँ कभी किसी ने तलवार के माध्यम से जीता नहीं इस देश में। इस देश में जब विजय प्राप्त करते थे तो शास्त्रों के माध्यम से होते, शास्त्रास्त्र होते थे। और शास्त्रास्त्र के कारण से इसके लिए अपने आप बोला गया मुंडे मुंडे पत्र भेजना, अलग अलग बंदे अलग अलग लोगों के भिन्न विचार हो सकते। ये नहीं कि आज आपके विचारों से मैं सहमत नहीं हूँ तो बस आपको जेल डाल दूँ, आपको गला कर दूँ, आपके घर उसी लगा दूँ, आपको फला कर दूँ, आपको फला कर दूँ, फला फला कर दूँ। बहुत गलत है विचार भिन्न आपको नहीं है ना, आपस में विचार करेंगे। ये तो संसदीय परंपरा है, देश में संसदीय विधायी परंपरा है। तो वास्तव में किसी का रूप है जिसमें हम देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसमें संसदीय प्रणाली है, उस प्रणाली के अंदर पक्ष होता है, विपक्ष होता है, विचार विमर्श होते हैं और विकास विमर्श के बाद फिर वह निर्णय होता है। सब वैसा एक आज पश्चिमी जगत में भी इस प्रकार का माहौल बना है कि वहां भी पूरे विश्व के अंदर नए सारे समाज के अंदर अलग अलग विचारधाराओं के लोग, अलग अलग जो वैचारिक संस्थान है, संगठन है, उनके माध्यम से आज जो राजनीति है वो भी उसी प्रकार से संसद है, विधानसभा है, इन सब में बड़ा बहस होती है। लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो राजनेता लड़ रहे हैं, इतने जोर से बोल रहे हैं, पर बात को पता लगता है कि सारे के सारे इकट्ठा हो जाते हैं, एक साथ चाय पीते हैं, एक एक साथ कॉफी पी लेते हैं। तो ये जो वैचारिकता है ये हमारे देश की विशेषता है और इसलिए हम सब लोगों ने धर्मता का इतिहास है ये बताता है हमारा इतिहास कि हम सब लोगों ने जो विश्व विजय प्राप्त किए हैं, यानी मंगोलिया था, चाइना था, जापान था, यदि बुद्ध धर्म गया, बौद्ध धर्म वहां तक पहुंचा तो लड़के नहीं गया, तलवार के बल पर नहीं गया, किसी सेना के बल पर नहीं गया, लंका तक गया, वहां श्याम तक गया, आगे तक ब्रह्मा तक गया, कैसे गया? केवल एक वैचारिक वैचारिक शुद्धता का, वैचारिक श्रेष्ठता का, केवल बुद्धि के आधार पर नहीं, हृदय के आधार पर हम कितना अपना हृदय के साथ है, कितना हम प्रेम के आधार पर दूसरे को जीत सकते हैं। जैन धर्म, मत धर्म, सिद्ध धर्म, मानव प्रेम कैसे हृदय उठान हृदय होंगे, यहाँ चाहे रामदास जी हो, दूसरे संत हो, ज्ञानेश्वर हो, इन सब के सब कारण होते हैं कि इन सब लोगों ने भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म मार्ग सबके अंदर एक प्रकार के हम उच्च चिंतन कर रहे हैं। हम अपने इस शरीर में आए हैं, इस शरीर के अंदर का जो आत्मा है उससे साक्षात्कार कर रहे हैं, ऐसा एक श्रेष्ठ अपने अंदर विचार संस्थान है। और इसीलिए ये देश इतने आक्रमणों के बाद भी, इतने हमलों के बाद भी और उसके बाद भी देश जिंदा है। तो जिंदा ही नहीं, आज हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि हमारा देश ऐसा लगता है। मुझे ध्यान रखना पड़ता था, विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस को बहुत पड़ता था। तो विवेकानंद जी ने कहा कि अगले 50 साल तक सारे देवी देवताओं को भूल जाओ और केवल केवल भारत माता का ध्यान रखो। कल्पना कीजिए, अगर आप 50 साल तक सबको भूल करके केवल भारत माता, भारत माता का ध्यान रखेंगे तो भारत माता फिर से जगत गुरु बन जाएगी। कि 50 साल बाद देश आजाद हो गया, गुलामी का कालखंड था जो हमारे स्वामी जी इस विषय बोलते हैं 50 साल बाद 1947 को देश आजाद हो गया। एक प्रकार से सब जो दृष्टा हो गए पार्टी क्या तो नहीं चले, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एक ही कहना है कि सबके अंदर भगवान को देखो, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवादी दर्शन का अनेक लोगों ने उसको मान किसी को अनेक अलग अलग ढंग से उसको मालूम किया है। ऐसा पार्शियली हरिश्चंद्र जोश करके प्रेम लोग ने भी किया है, कुछ कुछ सीन के कंपोजर्स ने भी किया, लेकिन हमारे संतों ने उससे आगे बढ़ करके, विचारकों ने, तत्वनेताओं ने उससे आगे जा करके आत्मदर्शन करते हुए और उस
सब लोगों ने आके देखो ये जो विश्व है हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार क्यों चिंतन नहीं, नॉट ओनली थिंकिंग, नॉट ओनली आइडिया, बल्कि हमारा व्यवहार बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हम सारे विश्व को एक नीड के रूप में, हौसले के रूप में, ऐसे रूप में दिखाएं, व्यस्त व्यस्त रहकर व्यस्त कि सारा विश्व मानो ये एक हौसला है जिसमें पक्षी रहता, उसके बच्चे रहते, मानो इस प्रकार का सारा विश्व है ये यत्र विश्व भाव एक अधीनम, इस प्रकार का श्रेष्ठ भाव बन गया। और लोगों ने उन्हें कहा ये मेरा ये तेरा, ये तो लघु चेतसा अल्पजा प्रोमेसा गैर लघु चेतसा छोटे मन के लोगों का विचार है जो उदार चरित्र है। उदार चरित्र नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, ये जो उदार चरित्र लोग हैं इनके लिए सारा विश्व एक अंग है, एक परिवार है, एक फैमिली है। ऐसा उच्च आदर्श दिया और उस आदर्श का हम लोगों ने पालन किया और उस आदर्श के कारण से दुनिया के लोग ज्ञान ज्ञान से ठीक है काल खंड में हजार साल गुलामों में रहे होंगे, गुलामी से लड़ते रहे होंगे, संघर्ष करते रहे होंगे, लेकिन वो आदर्श हमारे आदर्श दुनिया भर में लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, जर्मन आए, हिंदुस्तान के अंदर उन सब लोगों ने एक प्रकार से यहाँ राज्य करने के साथ अध्ययन किया। हमने कहा कि क्या कारण है कि रोम यूनान क्यों नहीं दिखता है, तो उन सब लोगों ने अध्ययन करने के बाद कहा अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया, पाली का अध्ययन किया, अध्ययन के बाद बड़े इस मामले में यूरोपियंस चाहे फ्रेंच हो गया, अपने अंग्रेज हो गए, हमारे इटालियन हो, चाहे आपके जर्मन हो, वो किसको अध्ययन पढ़े, लेकिन बड़े कठोर हो कि अध्ययन करना है, गहरे में जाओ। तब उन लोगों ने पाया कि अरे ये भारत को कितना रिच है, कितना महान है। आप लोगों ने से बहुत से सुना होगा जब कवि कालिदास के अभिग्रंथ सातपुरम का अनुवाद हमारे जर्मन कवि गेटे ने पढ़ा, तो जर्मन कवि गेटे कहते हैं कि कालिदास का पढ़ने के बाद अभिग्रंथ सातपुरम पढ़ने के बाद गेटे नाच उठा कि कितना हमारा आदर्श है, कितना है इसके पीछे हम सब उनके लेके नियाज करने वाले थे समाज के अंदर, वो मरा नहीं, उसको थोड़ा दिन मूर्छा लगी होगी जैसे लक्ष्मण जी को लगी थी, लेकिन संजीवनी हमेशा बटी थी और उस संजीवनी बटी से एक प्रकार से फिर जागृत, और जब जागृत होता है जो विश्व बंधुत्व का भाव, तो फिर विश्व बंधुत्व तो कमजोर नहीं कर सकता है, कमजोर तो क्या देगा एक प्रकार से सशक्त होंगे, सबकी सारी भारत बनाएंगे,
हिम्मत हो रही कुछ आगे बढ़े जितना चोरी से पड़ गया सीधा चोरी से जो पड़ गया कितने बैठे हो गए आज आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। आज चाइना का सामान हिंदुस्तान में अगर बेच दो बेचना बंद कर दो उसकी हिम्मत नहीं होती कुछ करने की क्यों इसलिए कि लगता है आज हिंदुस्तान जाग रहा है इन्हीं की कौन प्रधानमंत्री जग गया उसकी पार्टी जग गई है ये हिंदुस्तान जग रहा है हाँ हमको आज कोई जो ललकार रहा है बोल रहा है नेतृत्व दे रहा है उस पर लोगों का विश्वास है और उस पर विश्वास तो स्वाभाविक रूप से देश का विश्वास होगा सबका विकास होगा सबको विश्वास में लेकर के हम आगे बढ़ेंगे एक प्रकार से देश शक्तिशाली होगा देश बड़ा संपन्न होगा और उसके नाते से हम जो सबका साथ सबका विकास और सबका विकास जो विश्व बंधुत्व की अपनी सनातन परंपरा है उस परंपरा को फिर से एक बार दिखाते हुए और फिर विश्व के अंदर जो आपको सुनाऊंगा कि जब वहां से सोक्रेटिस और एलेक्जेंडर हिंदुस्तान में आक्रमण करने आया तो उसे गुरु ने कहा बेटा तू वहां जा रहा है आक्रमण करने जब लौटेगा तो मेरे लिए गुरु ने क्या जाना आज गुरु जो है ये इंग्लिश की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में मिल जाएगा आपको क्योंकि इतना एक सिद्ध है इसलिए आज उस दिशा में बढ़ रहे हैं मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस नई आस्था के साथ देश आगे बढ़ने में इस फिर से उस अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने की दिशा में ये हमारे लिए मार्गदर्शक होता है। एक बार और हम अपना जीवन बहुत लंबा समय देकर लेकिन आपसे निवेदन करूंगा कि देश हमारा देश क्या कह रहा था सोने की चिड़िया एक जमाने में सोने की चिड़िया कह रहा था एक भाई कपोल कपी नहीं है कि अपनी आंखों को संसार में बोला जा रहा है ये तो ये फैक्ट इतिहास बोलता है देश सोने की चिड़िया थे यहाँ ताले नहीं रखते थे मकान खुले रहते थे इस प्रकार का यहाँ का एक सारे बर्तन भर साहब ने आया ने सब नहीं किया नगर से नहीं दे किया है लेकिन आज क्या हो गया देश पीछे हट गया देश कमजोर हो गया आप पिछले हजार साल में आपको कहते हैं लेकिन आज फिर से हमारे पूर्वजों की कृपा से हमारे स्वतंत्रता संग्राम से हमारे क्रांतिकारियों की कृपा से हमारे अनेक चाहे राणा प्रताप हो चाहे पृथ्वीराज चौहान हो चाहे शिवाजी हो चाहे सुभाष चंद्र बोस हो चाहे हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन जैसे मुक्त क्रांति के सेनानी हो इन सब के त्याग से बलिदान से आज हम एक नई दिशा में आए हैं और उस नई दिशा में ऐसा नेतृत्व मिल रहा है पहले हमारे यहाँ कहा जाता था अपो दीपो अपो भव पहले हमारे यहाँ कहा जाता था देखो भाई स्वयं मृगेंद्र था ये जो मृग है मृगेंद्र है यानी पशुओं का राजा है शेर बोले उसका कोई अभिषेक नहीं करता है कोई उसको चंदन टीका लगा करके पंडित जी उसको राजा नहीं बनाते बोले वो स्वयं ही अपने प्राकृत के बल से वो मृगेंद्र बनता है सबका राजा बनता है। अभी मैं पढ़ा था प्रणव मुखर्जी साहब की पुस्तक के बारे में उनकी समीक्षा आ रही थी तो उसने समीक्षा ने सब ने लिखा है कि भाई प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है बोले ये आपने परिश्रम से बनाया आपने अर्जन से बना ना कि किसी परिवार के वजह से बना है प्रधानमंत्री वो है और ना उनका है राज्यपाल उसे नहीं बोलता इट्स ए फैक्ट जो प्रणव मुखर्जी जैसा आदमी बोलता है एक प्रकार से देश को फिर से उस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए हम सबके अंदर वो मृगेंद्र वाला जिंदगी सेब के जैसा व्यक्तित्व बनाना पड़ेगा सारे देश का हर नागरिक जब उस दिशा में बढ़ेगा तब आगे देश एक आगे बढ़ेगा इसलिए हम फिर से एक बार जिसको आत्मनिर्भर कहते हैं आप इसे कितने लोग जानते होंगे सर अखबार में आता रहता है आज से 200 साल पहले देश का जो जीडीपी था दुनिया का लगभग 30% था आज कितना कम हो गया है आज हम कहाँ हैं क्यों नहीं हुआ कोई इतने पिछड़ गए दो लोगों ने लूटा आए अंग्रेज फ्रेंच पुर्तगाली सब आए हम लूटा नहीं इसको और दुर्भाग्य से हमारी कुछ नीतियां ऐसी रही कि हम शायद जितना प्रोग्रेस कर सकते थे जो उन्नति पिछले 70 सालों में करनी चाहिए थी वो कर नहीं पाए कहीं गलती हुई उनसे गलती होती मैं किसी को दोष नहीं दे रहा
लेकिन अब देश 1991 के बाद विशेष करके पिछले 8-10 वर्षों में एक प्रकार से फिर नई चेतना आई है और देश एक प्रकार से लगता है कोई नई सड़कें अच्छी बन रही है, घर बिजली पहुंच रही है, घर सब चीजें बन चुकी है, एक नया लोगों में एक विश्वास चल रहा है, आस्था चल रही है। और इसीलिए जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, फिर नारा नहीं आत्मनिर्भर क्या कोई एक प्रधानमंत्री बना लेगा, क्या कोई उसकी पार्टी बना लेगी, या आत्मनिर्भर कब बनेगा जब आप और हम सब ये संकल्प करेंगे कि कोई किसी पार्टी का नारा नहीं है, कि किसी विचारधारा का नारा नहीं है, कि देश की आवश्यकता है, कि दुनिया की आवश्यकता है, हमें हमारा देश आत्मनिर्भर बने। मुझे ध्यान है छोटे उम्र का था, खाना बाहर से पट्टी एक क्या था पीएलए अनाज आता था बाहर से, बताइए। और आज क्या है, आज लाखों टन अनाज आपके पास पड़ा हुआ है, सड़ रहा है। हमारे मंत्री को क्या कह रहे उससे ये सैनिटाइजर बना, तो एक प्रकार से इतना सौभाग्य है कि हम आज संबंध दूसरों को दे रहे हैं, तो हम क्यों नहीं आत्मनिर्भर बने, ये बहुत आवश्यक है। और मैं सोचता हूँ कि ये कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि हवाई नारा है या कोई उसका मुगरी लाल का हसीन सपना, ऐसा नहीं है, ये वास्तव में ये सच हो सकता है। और सबके लिए जैसा अंग्रेजी ने कहा है सेल्फ हेल्प हेल्प इज द बेस्ट हेल्प या गॉड हेल्प दो उधर दर्शन, ईश्वर उनकी सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। इसका अर्थ है यदि हम आत्मनिर्भर होंगे कल मुझे हर खाने विद्या हर चीज विज्ञान सब चीजों में यदि हम आगे बढ़ेंगे, कृषि उद्यान सब चीजों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से देश न केवल आत्मनिर्भर होगा बल्कि फिर से एक बार हम अनेक देशों को आज हम अनेक देशों को सहायता करते हैं। सबको पता भी नहीं होगा कि भारत कितने देशों को आज पांच से सात की बात नहीं होगा, पहले से करता है, काफी दिनों से करता है। तो अब ये और लोग हम आशा की दृष्टि से देख रहे हैं, देखो कैसा होगा, ये होगा जब जब हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, जब हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे। मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग एक प्रकार से जब आज हमारे राम बाबू जी की स्मृति में व्याख्यान माला का आयोजन कर रहे हैं तो इस व्याख्यान माला के माध्यम से इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। हम कैसे आत्मनिर्भर करें, उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी मैं देखता हूँ पिछले साल में जहाँ ऐसी सुंदर सड़कें बन गई, आनंद आता है, जहाँ सड़क नहीं जाती थी वहाँ हवाई जहाज चलने लग गया है, चल रहा है, एक तरफ चल रहा है। परंतु उस सब में हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन आई डू। मैं अपने देश के बारे में सोचता हूँ, बहुत बार लोग कहते हैं अरे क्या क्या देश ने हमारे लिए, ऐसा लोग सोचते हैं क्या क्या सरकार ने हमारे लिए, ये सोच नहीं, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम देश को लेकर देश को करेंगे तो सरकार भी ठीक चलेगी, देश के लिए हम काम करेंगे तो सेवाएं भी सुरक्षित रहेंगी, देश के लिए काम करेंगे तो आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इससे उस दिशा में मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग एक प्रकार से ऐसा एक नया समय आ रहा है, एक नया कालखंड आ रहा है, उस कालखंड में हम सब लोग आने वाला भविष्य है, दुनिया हमारी ओर देख रही है, सारा विश्व हमारी ओर देख रहा है। और अब जब कल परसों की घटना में सबसे आज के युग में हमारे पहले से भी गणतंत्र था इस देश के अंदर, नहीं ऐसा ही का गणतंत्र सब बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन आज के युग में ये जो आज से 227 साल पुराना अमेरिका है वो सबसे बड़ा पुराना प्रजातंत्र माना जाता है, लेकिन आज हिंदुस्तान की संसद में या विधानसभाओं में तो पता नहीं रच्चे पट्टे जूते बूते क्या चलते होंगे, लेकिन वहाँ जो इतना सभ्य माना जाता है, जो इतना जिसके हम आदर्श मानते थे, आज क्या हो रहा है, आज वहाँ संसद के अंदर एक प्रधानमंत्री के बोले राष्ट्रपति के आदमी जा करके गोली चलाते हैं, क्या है? इसके मतलब ये जो आत्मचिंतन रहा नहीं, वो जो आदर्श चिंतन था वो रहा नहीं, अरे कुर्सी गई तो नहीं थी, हम तो छोड़ेंगे नहीं, कुर्सी इतनी महत्वपूर्ण हो गई, कुर्सी खिसक गई तो हो गया। तो इसलिए हम सबको
तत्काल इमरजेंसी बना दिया, वो तत्काल प्रधानमंत्री ने तुरंत कर दी छोड़े। ये भारत की विशेषता है। इसलिए हम सब लोग आज एक बार दुनिया हमारे ओर देख रहे हैं, लेकिन दुनिया किसकी ओर देख रही है? विद्वान है, संपन्न है, शक्तिशाली है, उसकी ओर दुनिया देखती है। और इसलिए अगर शक्तिशाली बनना है और आत्मनिर्भर बनना है तो सबके लिए हम सब स्वयं को एक प्रकार से हम सब ने कोशिश करनी पड़ेगी। और शायद हमारे राम भाव मालवीय जी का भी यही सपना रहा है और भी हमारे लोगों का यही सपना रहा है, देश आगे बढ़े, ये देश दुनिया को दिशा दिखाए, ये सपना लोगों का था और सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री के एक आवाज लगाने पर दुनिया के 180 देश योगा डे मनाने लग जाते हैं। और मैंने कभी ना उस दिन की तारीफ करने नहीं आया, उसके उद्देश्य में नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना होगा कि देश का स्वाभिमान जिसकी जगता हो, अगर कोई भी जगाता है वंदनीय है, अभिनंदनीय है।